नमस्कार दोस्तों, इस समय के मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री मोदी के उपायों के कारण कोरोना वायरस का प्रसार दूसरे स्टेज पर रुका, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। गुजरात के जामनगर में कोरोना वायरस से 14 माह के शिशु की मौत, गुजरात में संक्रमण के 175 मामले। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ बारामूला जिले के सोपोर में गुलाबाद क्षेत्र में चल रही है। कोरोना वायरस भारत समेत पूरी दुनिया में कहर बनकर टूटा है। पूरी दुनिया में अब तक 14 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित। देश में कोरोना वायरस मामले 5000 के पार, 401 ठीक हुए लेकिन 149 की मौत। कोरोना से अमेरिका में भारतीय मूल के पत्रकार ब्रह्मा कांजी बोटला का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। कोरोना वायरस महामारी संकट से जूझ रहे अमेरिका ने बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मदद मांगी थी वो उन्हें मिल गई है। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी महान हैं और बहुत अच्छे हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 लाख के पार, 12.5 हज़ार से ज़्यादा की मौत। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस बात पर रविवार को प्रधानमंत्री कर सकते हैं देश को संबोधित। शिवराज चौहान ने जमातियों को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, छुपे हुए सदस्य सामने नहीं आए तो होगी कार्रवाई। भोपाल में बड़े कोरोना के मामले, 8 नए मरीजों के साथ संख्या 91 पर पहुंची। एक पत्रकार फिर हुआ कोरोना पॉजिटिव। अक्टूबर तक स्थिति सामान्य पर होने पर भी हो सकता है आईपीएल, ये कहना है पूर्व बॉलर आईपीएल के आशीष नेहरा का। जॉस बटलर ने विश्व कप फाइनल की अपनी शर्ट से अस्पताल के लिए जुटाए 65,000 पौंड। लॉकडाउन के चलते मुंबई के होटल में भाई के साथ फंसी शहनाज गिल, पिता को आ रही है याद। गेंदा फूल गाने के असली राइटर रतन कहार को रैपर बादशाह ने दिए 5 लाख रुपए। और आखिरी में, यूपी के संभल पिछले 2 दिनों में 15 बंदरों की मौत से दहशत, लोगों का शक कोरोना वायरस पर।